लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे, छोड़ दो, छोड़ो मुझे। इन गुंडों के हाथों मुझे यहाँ पर जबरदस्ती लाकर तुमने मेरे शक को यकीन में बदल दिया है कि तुम कोई साधु नहीं बल्कि साधु के रूप में वो शैतान हो जिसने अपने फायदे के लिए इस गांव में कभी डैम बनने नहीं दिया। बहुत बोलती हो तुम, अफसोस हमें सुनने की आदत नहीं। भोलेनाथ की तीसरी आंख है हम, और जब ये आंख खुलती है तो जिंदगी मौत में बदल जाती है। इसका वो हशर करो कि आइंदा कोई ऐसी गुस्ताखी करने की जुर्रत ना करे। डैम बनवाएगी हाँ, गांव आबाद करके हमें बर्बाद करना चाहती है। रोमत का इतनी रोमत, अब तेरा भाई आ गया है। ए नागराज, सरहद पर अपनी जान की बाजी लगाकर जो फौजी सारे देश की मां बहनों की इज्जत की रक्षा करता है, आज तूने उसी फौजी की बहन को हाथ लगाया। रोमत, तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। ये अपनी जाती है नागराज, जान गया, अब जान गया, यही है वो देशद्रोही, वो आतंकवादी जिसके आदमी सरहद पर स्मगलिंग करते हैं। नागराज, तू सिर्फ मेरी बहन का ही नहीं, मेरी मां का भी गुनहगार है, उस मां का जिसे हम भारत मां कहते हैं। हरामजादे, इसी की कोख से जन्म लेकर इसी के सीने को अपने हथियारों से छलनी कर रहा है तू। भैया,
तू तो चाहती है ना कि आतंकवादियों को पुलिस के हवाले करे, कितना सताया ना तुझे इन लोगों ने, ए साला, तू जा, जा पुलिस को बुला कर, मुझे कुछ नहीं हुआ है, कहती है मुझे कुछ नहीं हुआ है, तू जा, मुझे कुछ नहीं हुआ, तू पुलिस को बुला कर ला, ए मैं नहीं मरूंगा कहती, मैं नहीं मरूंगा, तू जा, मैं पुलिस को लेकर आती हूँ, तू जा, मेरे भैया को मार डाला, मर गया। सरहद के पार फेंक दो इसकी लाश को। देश का एक सच्चा सिपाही आतंकवादियों के साथ लड़ता हुआ शहीद हो गया। जय भोलेनाथ। आज ये चांद कहां खोके रह गया, बादलों से निकल ही नहीं रहा। आप लोगों के इस तरह का मजाक करते हुए, इनकी तो आदत है मुझे हमेशा तंग करने की। अरे आज करवा चौथ है, सुबह से मैं भूखी प्यासी इनकी लंबी उम्र के लिए दुआ कर रही हूं, और आप लोग भी इनके साथ मिलकर इस नाटक में शामिल हो गए। आज मजाक के भी हद हो गए। चलिए अर्जुन जी उठिए, बहुत हो गया मजाक। अर्जुन, अर्जुन प्लीज उठो। अर्जुन मैंने पहले से ही कहा था, दोबारा ऐसा मजाक करोगे मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। ये सब क्या लग रखा है। चलो अर्जुन उठो। अर्जुन नहीं उठोगी तो मैं जा रही हूं। अर्जुन आज करवा चौथ है, आज के दिन ऐसा मत करो प्लीज। देखो मैं रो पड़ूंगी। अर्जुन, अर्जुन प्लीज, अर्जुन प्लीज उठो। पिता। भैया। अर्जुन अब कभी नहीं उठेगा। भैया आप भी इनके साथ मिलकर, मैं आप लोगों की बातों में नहीं आने वाली हूँ। नहीं गीता, ये सच है। भैया बस, क्या भैया अभी चुप। और अर्जुन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अर्जुन, अर्जुन चलो।
मकतूल मेजर अर्जुन सिंह का कत्ल धनकपुर में हुआ, लेकिन उनकी लाश सरहद पर पाई गई। फिर आप दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि उनका कत्ल नागराज ने ही किया है? क्या उसका कोई चश्मदीद गवाह या कोई ठोस सबूत है आपके पास? सबूत है बलराज, सबूत है कि लड़की जिसने अपने भाई का कत्ल करते हुए इस नागराज को अपनी आंखों से देखा है। मिलॉर्ड, वकील साहब शायद इस बात को भूल रहे हैं कि अदालत पागलों की गवाही को नहीं मानती, और ये लड़की बिल्कुल पागल है जिसका सबूत मैं ऑलरेडी आपको पेश कर चुका हूँ। ये झूठ है मिलॉर्ड, ये झूठ है। ये पागल नहीं थी बल्कि अपने भाई की मौत देकर इसका ये हाल हुआ है, ये झूठ है। अदालत को इस बात से कोई मतलब नहीं कि लड़की पागल थी या हो गई, आप सिर्फ ये बताइए कि यह लड़की पागल है या नहीं। गायत्री, नहीं गायत्री, लेकिन ये लड़की तो कुछ भी नहीं बोल पा रही। इस लड़की की हालत ने सब कुछ बोल दिया मेरा, सब कुछ बोल दिया। लेकिन कानून हालात पर नहीं सबूत पर गौर करता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने ऐसा कोई भी गवाह और सबूत इस अदालत में पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि मेजर अर्जुन सिंह का कत्ल नागराज ने किया है, लिहाजा यह अदालत नागराज को बाइज्जत परी करती है। कानून हमें तुम सिखाओगी? This is contempt of court, public prosecutor. हम चाहे तो तुम्हें अभी इस पेशे से डिसमिस कर सकते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं मिलॉर्ड। आपके फैसले ने कानून पर से मेरा विश्वास उठा दिया। आप मुझे क्या डिसमिस करोगे? किस पेशे से मैं कुछ रिजाइन करती हूँ? मुबारक हो वकील साहब, मुबारक हो। थैंक यू। आइए चलिए। देखा कि शांत पंचम शांत, किसी आनी बिल्ली है, खंबा तो नोचेगी ही। आज इसने तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारा है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये अपने ही हाथों से अपने ही मुंह पर तमाचा मारेगी। जो मर गया उसके गम में क्यों अपनी जवानी बर्बाद कर रही है? मेरे नाम का एक मंगलसूत्र अपने गले में डाल ले, रानी बनाकर रखेंगे हम तुझे। अपनी छोटी जीत पर इतनी खुशी मत मनाना नागराज, तो सिर्फ कानून की अदालत से बचा है, लेकिन मेरी अदालत में तो कल भी गुनेगार था और आज भी है। कानून से ना इंसाफी शायद इसीलिए हुई है कि तेरा इंसाफ मैं अपने हाथों से कर सकूं। तेरी मौत किसी और के हाथों नहीं, मेरे हाथों होगी, सिर्फ मेरे हाथों। मर चुका है यह संदू, नहीं। उन राक्षसों ने सिर्फ मेरे पति के शरीर को छीना है, उनकी यादों को नहीं।
जिंदा है, वो जिंदा है। मेरे दिल में, मेरी सांसों में, मेरी आत्मा में, मेरे रोम रोम में। तुम जानती हो कि अगर तुमने ये मंगलसूत्र पहना तो लोग क्या कहेंगे? अगर नहीं पहनेंगे तो वो ही लोग कहेंगे कि तुम खूबसूरत हो, जवान हो, तुम्हें सहारे की जरूरत है, हमारे रखेल बन जाओ। नहीं, नहीं, नहीं। हाँ भैया, आज मेरी सोनी मांग को देकर उन पापियों के मन में पाप जागा है, और जब तक मैं अपने सुहाग को छीनने वाले लोगों की जिंदगी ना छीन लूं, इस मंगलसूत्र को नहीं उतारूंगी, नहीं उतारूंगी मैं। मेरे पति की चिता की आग अब भी मेरे सीने में दहक रही है, और अब इस आग को मैं बुझने नहीं दूंगी। आज मैं तुम्हारी कसम खाती हूं, हमारे होने वाले इस बच्चे की कसम खाती हूं, इस आग में उन पापियों को जलाकर राख कर दूंगी मैं। उस दिन विधवा होने के बावजूद भी मैंने मंगलसूत्र पहना और कसम खाई कि उस नागराज से उसकी जिंदगी छीन लूंगी। जेल में मेरी नजर तुम पांचों पर पड़ी, मैंने देखा तुम लोग भी जुल्म के शिकार हो, जालिमों से नफरत करते हो। मुझे अंधेरे में उम्मीद की किरण नजर आई, मेरे दिल ने कहा कि मेरे होश के साथ अगर इनका जोश मिल जाए तो एक आर्मी बन सकती है, एक ताकतवर आर्मी, जिसके जरिए मैं उस राक्षस से लड़ सकती हूं, उसका मुकाबला कर सकती हूं, उसे तोड़ सकती हूं। मगर इन दोनों ने मुझे तोड़ दिया, फिर एक बार किस्मत ने मुझे हरा दिया, किस्मत ने मुझे हरा दिया। पंचम, यह औरत हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है, कुछ भी करो मगर जल्द से जल्द पता लगाओ कि गीता और उसके साथियों का अड्डा कहां है। ठीक है। यह बात तो अपन के समझ में आ गई खान भाई कि गीता जी अपन से नफरत करती है, इसलिए अपन से उस बच्चे को दूर रखती है। लेकिन एक बात अपन के समझ में नहीं आई खान भाई, तेरे को उस बच्चे से इतना लगाव क्यों है? कबीर, मैंने कभी जिंदगी में किसी का बुरा नहीं चाहा। सच्चाई और ईमानदारी को हमेशा मैंने अपना धर्म, अपना ईमान माना। मैं टैक्सी चलाता था, जो थोड़े बहुत मुट्ठी भर पैसे कमाता उसी में खुश था। मैं सिर्फ अपने छोटे खान, अपने बच्चे की सूरत देखना चाहता था। मैं अपनी औरत को अस्पताल लेकर जा रहा था, रास्ते में अचानक उन लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया, सिर्फ इसलिए कि मैं उनके खिलाफ कोर्ट में गवाही देने वाला था कि उन्होंने मेरे शंकर काका का खून किया है। उन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरी औरत को बड़ी बेरहमी से मार डाला कबीर, मेरी आंखों के सामने मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरे बच्चे को मेरी औरत की कोख में उन्होंने मार डाला। मार डाला मैंने, ले लिया मैंने अपनी औरत की मौत का बदला, कर दिया अपने आप को कानून के हवाले, हो गई मुझे फांसी की सजा, मुझे दुख नहीं हुआ कबीर। मैं इतना कभी नहीं टूटा था जितना आज टूट चुका हूं। इस बच्चे में मुझे अपना बच्चा नजर आता कभी,
इस बच्चे में मुझे अपना बच्चा नजर आता। कभी नहीं, औरत जब इस बच्चे को मुझसे दूर रखती है, मुझे इसे छूने नहीं देती, मेरा खून मेरी आत्मा खोल उठती। कभी मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, मेरी समझ नहीं आता मैं क्या करूं। कभी क्या मैं इतना बुरा इंसान हूं कि मैं इसे छू भी नहीं सकता? नहीं खान, नहीं खान, खान चुप कर खान, संभाल अपने आप को। तू बुरा आदमी नहीं है खान, तू बुरा आदमी नहीं है, बुरा तो मैं हूं खान। पैसा कमाने के लिए मौत का सौदा करता था, इस देश के दुश्मनों और आतंकवादियों को बम बनाकर बेचता था। हर एक दिन उन्हीं लोगों ने मेरे ही बनाए बम से मेरी ही बस्ती को उड़ा दिया। हर सबसे पहले उजड़ने वाला घर कोई और नहीं, मेरा अपना था। 13 लोग थे उस घर में, किसी की लाश तक नहीं मिली। तब जिंदगी में पहली बार पता चला कि जब कोई अपना मरता है तो कलेजा कैसे फटता है। खान, खान अगर हम चाहें तो इस बच्चे को हम गले लगा सकते हैं, ये बच्चा हमारी गोद में खेल सकता है। हाँ कैसे कबीर, कैसे कबीर, कैसे? तू एक बार बता, इस बच्चे के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूं कबीर। खान जान देनी नहीं, जान लेनी होगी, जान लेनी होगी।